हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब है कर्व सरफेस एरिया, हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर से सिलेंडर खाली है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको 422 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे वो बोलता है, इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर्स। तो इसको इस तरह से हाइट की तरफ से कट किया गया है। ठीक है, यहाँ से मैंने मान लो इसको काटना शुरू किया और इसको खोल दिया, इस सर्कुलर शेप को मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करके ये जो सर्कल था ना, ये पूरा ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये खुल गया है। ठीक है, तो अब ये बन गया एक रेक्टेंगल। आगे क्वेश्चन कह रहा है, उसकी जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ अगर 33 है, यानी कि रेक्टेंगल की चौड़ाई ये पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 33 दिया हुआ है, यानी कि हाइट जो है आपकी 33 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब पूछ कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम। तो चारों साइड का सम निकालने के लिए आपको इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेंथ पता करती हूँ, उसके बाद पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो लेंथ देखो यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर हमें दिया हुआ है, सिलेंडर को ओपन करके ही लेंथ, ये रेक्टेंगल बना है। तो इस रेक्टेंगल में जो ये लेंथ है वही सिलेंडर की सरकमफ्रेंस रही होगी। ये सरकमफ्रेंस जो है यही ओपन होके लेंथ बनी है। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह यहाँ से इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लूँ तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी, और लेंथ मिल गई तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, दो तीन स्टेप्स में होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले मुझे दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, इससे मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो हमें हाइट पता है, ये अगर 33 है तो ये भी 33 होगा। ठीक है, क्योंकि हाइट तो सेम है। ओके, ये 33 है, पाई की वैल्यू आपको पता है, लेटरल सर्फेस एरिया दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 4224 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 33। ठीक है, अब आर को इधर ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इधर उधर भेजेंगे। तो 4224 7 डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब न्यूमरेटर में है ऊपर, तो ये सब इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, आर अब इसको मैं फर्दर कट करूँगी, सॉल्व करूँगी, 2 1 1 2, 22 अगेन 11, 11 2 11 ये जाएगा आपका 1 9 एंड 2 पे। उसके बाद फर्दर कट करेंगे, 2 1 2 2 9 18 एंड 2 6 12, तो 96 × 7/33 = r। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ। तो आगे देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे रेडियस आ गया है, देखो इसका रेडियस मुझे मिल गया है। एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है, पहले लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ये सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल की, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको रेडियस मिल गया, रेडियस से मुझे सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। अब सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 20 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास ये दिया हुआ है आपको 96 × 7/33। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 33 3 से ये, तो पूरा जब सॉल्व होगा तो आपके पास आएगा 128 सेंटीमीटर्स। तो आपको सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ मिल गई है, ये पूरी लेंथ आपको मिल गई है 128 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l + b। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 2 लेंथ कितनी है, 128, और आपकी ब्रेथ कितनी है, 33। वैल्यूज़ में पुट करो, 128 + 33, तो 2 × ये हो जाएगा आपका 161, तो 322 सेंटीमीटर आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या किसके बाद करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है, और कुछ नहीं है।